महाराष्ट्र की एक अदालत ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व इंजीनियर को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। इंजीनियर को साल 2018 में आईएसआई के लिए मिसाइल की जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने इंजीनियर को 14 साल के कठोर कारावास की सज़ा दी है, साथ ही 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। नागपुर के सेशंस कोर्ट ने 3 जून को यह फैसला सुनाया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मोस एरोस्पेस के इस पूर्व इंजीनियर का नाम निशांत अग्रवाल है। वो ब्रह्मोस एरोस्पेस में सीनियर सिस्टम इंजीनियर था। आपको बता दें कि ब्रह्मोस एरोस्पेस DRDO और रशियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंसोर्टियम के बीच एक जॉइंट वेंचर है। ये भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर काम करने के लिए बनाया गया था, जो कि जमीन, हवा, समुद्र और पानी के नीचे से लॉन्च की जा सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल सेशंस जज MV देशपांडे ने फैसला सुनाते हुए बताया कि निशांत अग्रवाल को CRPC की धारा 235 IT एक्ट के सेक्शन 66F और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ज्योति वजानी ने कहा, कोर्ट ने अग्रवाल को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 3,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि निशांत अग्रवाल को पिछले साल अप्रैल महीने में नागपुर कोर्ट ने बेल दे दी थी। ब्रह्मोस एरोस्पेस से जुड़ी जानकारी लीक करने का यह मामला साल 2018 में सामने आया था। इंजीनियर निशांत अग्रवाल फेसबुक के माध्यम से पाकिस्तान के 2 इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से जुड़ा हुआ था, जिनकी पहचान नेहा शर्मा और पूजा रंजन के रूप में हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक के अकाउंट्स इस्लामाबाद से ऑपरेट किए जा रहे थे। निशांत अग्रवाल को नागपुर ATS और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। निशांत पर IPC की संबंधित धाराओं, IT एक्ट 1923 की धारा 3 जासूसी के लिए दंड, 4 विदेशी एजेंटों के साथ जानकारी साझा करना, 5 सूचना का गलत संचार आदि और 9 उकसावा, इनके तहत मामला दर्ज किया गया था। लाइव लॉ से जुड़ी अमीशा श्रीवास्तव की 15 अप्रैल 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक चार्जशीट में बताया गया था कि निशांत के लैपटॉप से सीक्रेट और रिस्ट्रिक्टेड फाइलें मिली हैं। इतना ही नहीं, आरोपी इंजीनियर के लैपटॉप एक सॉफ्टवेयर भी पाया गया था, जिसकी मदद से जानकारी दूसरे देशों को साझा की जा रही थी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक निशांत अग्रवाल DRDO द्वारा दिए जाने वाले यंग साइंटिस्ट अवार्ड का विनर था। निशांत को मेधावी इंजीनियर माना जाता था। उसने कुरुक्षेत्र स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इस खबर में इतना ही। आप इस पर क्या सोचते हैं कॉमेंट सेक्शन में हमें बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी प्रशांत। मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव। देखते रहिए लीला लन टॉप। शुक्रिया।